कुतुब मीनार। दक्षिण दिल्ली में स्थित यह मीनार ईंट से बनी सबसे ऊंची मीनार है और इंडिया की फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। चलिए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसको कंट्रोवर्शियल टूरिस्ट स्पॉट क्यों बोला जाता है उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। कुतुब मीनार 1199 से लेकर 1220 में बनाया गया था। इसका निर्माण की शुरुआत पहले कुतुबुद्दीन इकबाल ने उसके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाया था शुरू किया था, लेकिन उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा किया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इस मीनार में 5 मंजिले है। इसमें करीब 379 सीढ़ियां है जो की बहुत ही पतले और घने है। कुतुब मीनार के परिसर में अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश की कब्र है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मंदिरों के जो नक्शे हैं, मंदिरों के जो डिज़ाइंस हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, मंदिर का घंटी हो गया, वैसे यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है जो कुतुब मीनार है ये असल में विष्णु स्तंभ था और यहाँ पर आसपास में 27 मंदिर थे जो कि तोड़ दिए गए हैं। जिसका जैसे शासन आ गया वैसे वो लोग उसको रिनोवेट करते करते वो एक अलग नक्शे में वो तब्दील हो गया, तो ये ऐसे बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इतनी लंबी कुतुब मीनार है इसको देख के तो अच्छा लगता ही है कि ये 800 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही खड़े हैं और इसका नाश नक्शा कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर भूकंप और लाइटनिंग के वजह से उसकी जो ऊपर भाग दो मंजिले है वो टूट गया था, लेकिन उसका मरम्मत करके फिर से उसको बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर, या कोई भी टूरिस्ट या कोई भी लोग वहाँ पर अगर जाते हैं, तो एक मन में एक इच्छा जागृत होता है कि इसके अंदर क्या होगा। कुतुब मीनार के अंदर अगर जा सकते थे तो इसके अंदर क्या क्या नाश नक्शा होगा, क्या चीज़ होगा, कैसा डिज़ाइंस होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग के मन में है, लेकिन इसके अंदर कभी भी हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि बहुत साल पहले, मतलब 1981 के पहले यहाँ पर ना एंट्री दिया किया, मतलब देते थे, अंदर जाने देते थे, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे से मतलब लोग शॉक्ड हो गए और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। उसका कारण ये है कि कुतुब मीनार के अंदर 1981 के 4 दिसंबर के दिन बहुत सारे लोग अंदर दाखिल हुए थे, 350 से भी ज़्यादा लोग अंदर गए थे और उनमें से ज़्यादातर बच्चे स्कूल के थे। तो इसीलिए जब वो लोग अंदर गए तो उसकी जो सीढ़ी है वो बहुत ही पतले और घुमाऊ है और बहुत ऊंचा है, तो इसीलिए बच्चे धीरे धीरे जब ऊपर जा रहे थे तब अंदर करंट चले गए, और अंदर जब करंट चले जाते हैं तो बहुत ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि अंदर वेंटिलेशन बहुत ही कम है, जैसे कि लाइट आने का कोई दरवाज़ा या खिड़की बहुत ही कम है, तो बच्चे बहुत ही डर गए। तो उसी समय एक अफवाह ऐसे फैला दिया कि अभी कुतुब मीनार गिरने वाला है, तो इसलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और सब लोग अफरा तफरी में भागने के चक्कर में करीब 45 लोगों ने अपने दम उधर ही तोड़ दिए थे, और तब से इस कुतुब मीनार के अंदर जाने नहीं देते। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।